सब्सक्राइब कीजिए रोम्बस रोहित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइज, दिस इज़ रोहित फ्रॉम रोम्बस रोहित चैनल। सो गाइज, आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको ये सारा शौक दिखाने वाले हैं। एंड आज हमारे साथ है जसबीर पाजी। कैसे हो पाजी? बढ़िया जी, आप सुनाओ। बस बढ़िया पाजी। सो पाजी, फिर बताइए आज के व्लॉग में आप हमें क्या क्या दिखाने वाले हैं? आज के व्लॉग में आप 19 मॉडल की स्कॉर्पियो है हमारे पास। ओके, गाड़ियाँ स्कॉर्पियो हैं। हाँ जी, हाँ जी। चार एक्सयूवी हैं, दो इनोवा हैं और बाकी ये सारी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। सो भाई, जैसे जितनी भी हमने अभी गाड़ी दिखाएंगे इस व्लॉग में, तो मतलब इसके अलावा भी और ऑप्शंस मिल जाते हैं? इसके अलावा मेरे पास बड़े ऑप्शन है भैया, जैसे पोलो आपको अच्छे रेट में नीचे मॉडल में मिल जाएगी, स्टार्टिंग हो जाएगी 250। हाँ जी, हाँ जी। एंड स्विफ्ट मिल जाएंगी, डिजायर मिल जाएगी आपको, स्कोडा ऑक्टेविया मिल जाएगी 2015 मॉडल। ओके, 18 मॉडल की स्कॉर्पियो है, 14 मॉडल की फॉर्चूनर ऑटोमेटिक में है। ओके, ऑप्शन बहुत सारे हैं, 18 मॉडल की फॉर्चूनर ऑटोमेटिक है मेरे पास। ठीक है भाजी। सो भाजी, मतलब फाइनेंस का क्या रहता है, वो बताओ कुछ। फाइनेंस का दिल्ली एनसीआर के लिए इजीली अवेलेबल है फाइनेंस। दिल्ली एनसीआर माने तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा। ओके, अगर आप जॉब कर रहे हैं और 50-40,000 आपकी सैलरी है और बैंक से कोई डिफॉल्ट नहीं है, आपका बैंक में कोई डिस्प्यूट नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, तो फाइनेंस बहुत इजीली अवेलेबल है। ओके, एंड मतलब डाउन पेमेंट 20-30 कितना होता है? 20-30% अप्रोक्स, डिपेंड टू योर प्रोफाइल। हाँ हाँ, ये प्रोफाइल क्या है, कस्टमर की क्या प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी डिपेंड करती है। ओके, डाउन पेमेंट। सो भाजी, मतलब अगर प्रोफाइल अच्छी होगी तो मतलब कम से कम डाउन पेमेंट देके फाइनेंस हो सकते हैं? प्रोफाइल अच्छी होगी तो ये जैसे जर्मन कार्स हैं, स्कोडा हो गई, वोक्सवैगन हो गई, इन गाड़ियों पे पूरा लोन हो जाता है 100%। अच्छा, 100% हो जाता है, अच्छी आ जाती है। ओके, अगर प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। प्रोफाइल उसके लिए बड़ी अच्छी होनी चाहिए, 50,000 सैलरी हो कम से कम, कोई बैंक के साथ डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो इजीली आपका फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके ओके, एंड पाजी डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए, जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 महीने की होनी चाहिए, उसमें ट्रांजेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेफ कम से कम आपका 50,000 मेंटेन हो वहाँ पे। ओके, तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपका लोन। ओके, मतलब 6 महीने की सॉरी बैंक स्टेटमेंट, घर का बिजली का बिल हो, अगर रेंट पे है तो 100 के स्टैम्प पेपर हो, उस पे रेंट एग्रीमेंट हो, 2 साल का ITR होगा, एक साल का चलेगा। अच्छा, 1 साल का चलेगा, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे। ओके, रेंट एग्रीमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स एंड बिजली का बिल घर का। ओके, परमानेंट ID प्रूफ है वो। ओके, सो भाई जैसे आपने बैंक स्टेटमेंट का बताया, उसमें मतलब 50,000 से कम नहीं होना चाहिए कभी? मतलब हो सकते हैं 40-50,000 भी हो सकती है, मतलब ट्रांजैक्शन होनी चाहिए अच्छी, मतलब ट्रांजैक्शन करने के लिए इतनी होनी चाहिए। कई बंदे आते हैं फाइनेंस कराने, उनके अकाउंट में पड़े 2,000 हैं, 3,000 पड़े, बीच बीच में 1 लाख आए, 1 लाख निकल गए, फिर 2,000 पड़े हैं, माइनस में जा रहे हैं, तो लोन नहीं होगा। अच्छा, नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है। सो भाजी, काम करो, बाकी इन्फॉर्मेशन हम ब्लॉग के बीच में दे देंगे, फिर स्टार्ट करें भाजी? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो भाजी फिर हम इधर से स्टार्ट करते हैं, चलो। सो गाइस, फर्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं Hyundai i20। सो भाजी इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये है जी 2012 मॉडल की i20। ओके, स्पोर्ट्स मॉडल डीजल में। हाँ जी, सर्टिफाइड गाड़ी है, वारंटी अवेलेबल है, डीजल की गाड़ी है, ओनर सिंगल है। ओके, ये मिलती है जी 2,90,000 रुपये की रेंज में, 290। ओके, 2,90,000 रुपये। और भाजी मॉडल बताया आपने? 2012 मॉडल, स्पोर्ट्स। ओके, सेकंड टॉप एंड मॉडल वेरिएंट आता है, स्पोर्ट्स वेरिएंट, एंड सिंगल ओनर। सिंगल ओनर, एंड पेट्रोल है, डीजल? डीजल, डीजल। एंड फाइनेंस हो जाएगी? फाइनेंस 1.5 साल के लिए अप्रोक्स हो जाएगी। अच्छा ठीक है भाजी, एंड फाइनेंस तो दिल्ली एनसीआर के लिए? दिल्ली एनसीआर के लिए। ओके, तो गाइस नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं वॉक्सवैगन पोलो। सो भाजी बताइए कुछ। 2015 मॉडल है। ओके, पेट्रोल, ट्रेंड लाइन। हाँ जी ठीक है, और गाड़ी सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगी आपको ये 3,90,000 रुपये की रेंज में। ओके, 3,90,000, 390। एंड ये भी सिंगल ओनर? ये भी सिंगल ओनर, 15 मॉडल, न्यू शेप। ओके, पेट्रोल है, डीजल? पेट्रोल। ओके, पेट्रोल वेरियंट। सो गाइस नेक्स्ट कार आ गई है वॉक्सवैगन वेंटो। सो भाजी मॉडल कौन सा है? 2015 मॉडल है। ओके, हाईलाइन टॉप एंड मॉडल आता है, हाईलाइन में, ऑटोमेटिक डीजल। ओके, सिंगल ओनर, दिल्ली नंबर, ये मिल जाएगी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 5,70,000 रुपए की रेंज में। ओके, एंड डीजल वेरिएंट हो गया? डीजल वेरिएंट। एंड मॉडल? 2015। ओके ठीक है भाई। सो गाइस नेक्स्ट आ गई है स्कोडा रैपिड। सो भाजी बताइए कुछ। स्कोडा रैपिड आ गई भैया, ये आपकी पेट्रोल में, एलिगेंस, ऑटोमेटिक। हाँ जी, एंड ये गाड़ी सिंगल ओनर है, दिल्ली नंबर है, टॉप एंड मॉडल, पेट्रोल में, ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ये गाड़ी मिलती है जी आपको 5,90,000 रुपये की रेंज में सर। ओके, 5,90,000 रुपये जी। एंड भाजी प्राइजेस तो नेगोशिएबल है ना? प्राइजेस सारे नेगोशिएबल रहेंगे, जो भी आएंगे, जो बेस्ट डील आपको होगी देंगे। ओके, सो मतलब भाजी न्यू ईयर डिस्काउंट तो मिलेगा ना? बिल्कुल, 100% मिलेगा। अच्छा ठीक है भाजी, डन। सो गाइज नेक्स्ट आ गई है स्कोडा सुपर्ब। सो भाजी मतलब ये 14-15 मॉडल लग रहा है मेरे को। ये 14 मॉडल है। ओके, इसमें फेसलिफ्ट आ गई थी ना? हाँ जी, हाँ जी। लोगो आप देख रहे हो चेंज हो गया, सारी लाइट वाइट चेंज है। हाँ जी, हाँ जी। ये फेसलिफ्ट मॉडल आया था 14 में। ओके,
ये 14 का मॉडल है, ऑटोमेटिक एलिगेंस डीजल में, सबसे टॉप एंड मॉडल यही आता है। ओके। जिसमें सनरूफ वगैरह, ऑटोमेटिक क्लाइमेट, क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, ओके, क्रूज कंट्रोल, सब कुछ आता है, सारे फीचर्स इसमें आते हैं। ओके। ठीक है, ये गाड़ी मिलती है आपको 9,75,000 की रेंज में, 2014 मॉडल, फेसलिफ्ट वाली सुपर। ओके, 9,75,000 रुपये में। एंड भाजी प्राइस स्लाइटली नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल है। ओके ठीक है। एंड मॉडल बताया भाजी आपने? 14 मॉडल। ओके 14 मॉडल, न्यू फेसलिफ्ट। ओके, सो गाइस ये भी फाइनेंस हो जाएगी, मतलब 2-3 साल के लिए ना? ये इजीली 3 साल के लिए फाइनेंस होगी। ओके ठीक है भाजी। सो गाइस नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं मर्सिडीज बेंज C200 DL नंबर की। जी सो भाजी बताइए, 2012 मॉडल है, 2012 एंड C200 पेट्रोल में। ओके पेट्रोल वेरिएंट है? पेट्रोल वेरिएंट है भैया, और सिर्फ सिंगल ओनर गाड़ी है। ओके, सिंगल हैंडेड ड्रिवन है, सिंगल ओनर गाड़ी है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगी 7,75,000 रुपए की रेंज में। एंड भाजी मॉडल बताया आपने? 2012। सो भाजी मतलब ये दिल्ली में भी 7 साल चल जाएगी ना आराम से? बिल्कुल, मजे में चलेगी। ओके सो मतलब डील अच्छी है तो वैसे? बहुत अच्छी डील है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। ओके ठीक है भाजी। सो गाइज नेक्स्ट आ गई है टोयोटा इनोवा। सो गाइज यहाँ से सारी एसयूवी कार स्टार्ट हो गई है। सो पहले हम आपको दिखा रहे हैं टोयोटा इनोवा। सो भाजी बताइए, 2011 मॉडल। ओके, वी वर्जन। वी वर्जन टॉप एंड आता है इसमें, टॉप मॉडल है, सिंगल ओनर है ये भी। ओके, गुड़गांव नंबर है, HR26 हरियाणा गुड़गांव नंबर। ओके ठीक है जी, पर्सनल यूज की गाड़ी है, वी वर्जन है एंड 7 सीटर है ये वाली। ओके, डीजल में। ये गाड़ी मिलती है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की रेंज में। ओके 5 लाख रुपए की जी। एंड गाइस ये है सर्टिफाइड कार है ना भाई? मैक्सिमम गाड़ी सर्टिफाइड मिलेगी आपको। ओके, एंड ये भी सिंगल ओनर है? सिंगल ओनर। एंड डीजल वेरियंट हो गया? ओके, सो भाजी मतलब 5 सीटर है, 7 सीटर है? 7 सीटर आती है। ओके, 7 सीटर है, 7 सीटर आती है, या इसमें 8 सीटर आती है। ओके ओके, ऑप्शन आते हैं 7 सीटर या 8 सीटर, ये 7 सीटर है। ओके ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट आ गई है इसका मतलब इनोवा का लेटेस्ट वर्जन, इनोवा क्रिस्टा GX मॉडल है ये। ओके, मैनुअल ट्रांसमिशन है, सिर्फ 16,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। GX के बाद VX आता है, फिर ZX आता है। ठीक है, सो मतलब 16,000 चली है, 16,000 चली हुई है, विद सर्विस रिकॉर्ड है, विद सर्विस रिकॉर्ड 110%। ओके, 7 सीटर हो गई, 7 सीटर हो गई, मैनुअल ट्रांसमिशन हो गई, डीजल GX। ओके, ये गाड़ी मिलती है जी 15,90,000 रुपए की रेंज में। ओके, एक सेम गाड़ी ब्राउन कलर में भी मिल जाएगी आपको। अच्छा, जो गोल्डन प्लस ब्राउन कलर होता है उस कलर में भी 2018 मॉडल 35,000 चली हुई गाड़ी। अच्छा, वो भी इसी रेंज में मिल जाएगी आपको। ओके ठीक है भाई। एंड ये है गाइस दिल्ली नंबर। सो भाजी मतलब अगर जैसे कार्स में कलर ऑप्शन भी चाहिए तो वो भी आप प्रोवाइड करा देते हो? भी है बिल्कुल, जैसे भी आपको बताया, ये सिल्वर है मेरे पास, ब्राउन में भी अवेलेबल है। ओके, पर्पल कलर में भी अवेलेबल है। सो गाइस जैसे कि आप एसयूवी देख रहे हो, देखो मतलब इसमें कितने सारे कलर्स अवेलेबल है। अभी भैया इधर ऑप्शन सारे हैं नहीं मेरे पास, गाड़ियां आपको जैसे स्कोडा ऑक्टेविया मिल जाएगी 2015 मॉडल की गाड़ी। ओके, आपकी 2018 मॉडल की S7 स्कॉर्पियो मिल जाएगी। ओके, एंड मेरे पास आपको 2015 मॉडल की वेंटो मिल जाएगी पेट्रोल की। ओके ओके, गाड़ी ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। सो गाइस मतलब कहने का मतलब ये है, ऑप्शंस आपको बहुत मिल जाएंगे, बट ये है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा लिमिटेड दिखा रहे हैं हम, है ना? फिलहाल जो अवेलेबिलिटी है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ओके, बट ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके ठीक है भाई। सो गाइस नेक्स्ट हम आपको 4 गाड़ियाँ जो दिखा रहे हैं वो है 3, मतलब 4 XUV500 है। सो भाजी फिर व्हाइट वाली से स्टार्ट करते हैं। व्हाइट वाली ये जी, ये 2012 मॉडल है। ओके, W8 वेरिएंट है, सिंगल ओनर दिल्ली नंबर, डीजल की गाड़ी है W8। ओके, एंड ये गाड़ी मिलती है 5 लाख रुपए की रेंज में। ओके 5 लाख रुपए की, हाँ जी। एंड W8 वेरिएंट हो गया, एंड मॉडल 2012। ओके, एंड टॉप एंड ही है, टॉप एंड मॉडल है, मतलब फुली लोडेड है कार, मतलब अलॉय व्हील्स वगैरह सब कुछ मतलब लगा हुआ है। ओके, लेदर सीट कवर्स हो गए, मतलब ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट आ गई है ब्लैक कलर में XUV500। सो भाजी बताइए, ये है भैया 2011 मॉडल। ओके, W8 मॉडल 11, कंडीशन 2015-17 वाली है। हाँ जी हाँ जी, मतलब जो बंदा चलाएगा उसे लेके जाएगा ऐसी गाड़ी है। ओके, 2011 मॉडल है, ओनर सिंगल है, दिल्ली नंबर है, W8 मॉडल है। ओके, फुली लोडेड जो होता है। हाँ ठीक है जी, ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आपको मिल जाएगी 4.25 लाख रुपए की देंगे। ओके, 4.25 जी, 4.25, 4,25,000। ओके, 4,25,000, 4,25,000। ओके, एंड ये भी सिंगल ओनर है, डीजल वेरिएंट हो गया, डीजल वेरिएंट है। ओके ठीक है भाई। सो गाइस नेक्स्ट आ गई है फिर से ब्लैक कलर में XUV500। ये है 2012 मॉडल। ओके, W8 मॉडल है। ओके, अलॉय व्हील्स वाली टॉप एंड मॉडल है ये भी, सर्टिफाइड गाड़ी, सिंगल ओनर, दिल्ली नंबर। ये गाड़ी मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लाख रुपए की रेंज में। ओके, सो गाइस हम आपको दिखा रहे हैं नेक्स्ट कार XUV का मतलब न्यू शेप, लेटेस्ट शेप कह सकते हैं भाजी? बिल्कुल लेटेस्ट शेप है, 2017 मॉडल है, W10 वेरिएंट है। ओके, सबसे टॉप एंड मॉडल आता है जिसमें सनरूफ आ जाती है, सिंगल ओनर है, दिल्ली नंबर है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। ओके, एंड डीजल गाड़ी है।
हाँ जी, आती सारी डीजल में ही है वैसे ये, और ये गाड़ी आपको मिल जाती है 12,70,000 रुपए की रेंज। ओके 12,70,000 रुपए। एंड भाजी प्राइस इज स्लाइटली नेगोशिएबल। बिल्कुल सर। ओके ठीक है भाजी, मतलब ये भी मतलब फुली लोडेड है, जैसे अलॉय व्हील्स वगैरह सब मिलेंगे आपको। इसमें W10 वेरिएंट में आपका सनरूफ एक्स्ट्रा आ गया था। ओके, शेप चेंज हो गई थी उसकी वजह से, DRLs आ गए थे, तो थोड़ा बहुत फीचर्स चेंज स्लाइटली चेंजेस है कंपनी की तरफ से। सो गाइस इसमें आपको सनरूफ भी मिलेगा। ओके ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट तीन कार हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये है तीनों स्कॉर्पियो। सो पाजी फिर सिल्वर से स्टार्ट करते हैं। सिल्वर वाली है जी 2016 मॉडल। ओके, सिर्फ 40,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी। ओके, ओनली 40,000 सिंगल ओनर दिल्ली, सॉरी HR नंबर है, HR26 गुड़गांव का नंबर है। ओके, एंड सिर्फ 40,000 किलोमीटर सर्विस को, टायर ब्रांड न्यू, बढ़िया गाड़ी मिली S4 प्लस डीजल में। ओके ठीक है जी, सिंगल ओनर। एंड ये गाड़ी मिलती है आपको सिर्फ और सिर्फ 8,70,000 रुपए की रेंज में। ओके सो पाजी मतलब टॉप एंड मॉडल है कौन सा? ये नीचे वाला मॉडल, मिड वाला मॉडल है, मिड वेरिएंट है। ओके ठीक है, क्योंकि गाइस इसमें अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे ना आपको। ठीक है, सो भाजी इसकी डिमांड बताई। डिमांड ये आपको बताई 8,70,000 रुपए की रेंज। ओके 8,70,000 रुपए एंड प्राइस स्लाइटली नेगोशिएबल। 17 मॉडल मैंने बताई, सॉरी 18 मॉडल में आपको ऐसे 7 भी मिल जाएगी। अच्छा, वो भी पार्किंग में लगी गाड़ी, व्हाइट कलर की गाड़ी, सिर्फ 40,000 चली हुई, ब्रांड न्यू गाड़ी, वो भी मिल जाएगी आपको। ओके डन भाजी। एंड ये भी सिंगल ओनर एंड डीजल वेरिएंट हो गया। मैक्सिमम सारी गाड़ी सिंगल ओनर है। ओके ठीक है भाजी, एंड डीजल वेरिएंट हो गया। डीजल वेरिएंट। ओके सो भाजी नेक्स्ट वाली 2016 मॉडल की गाड़ी। हां ये पंजाब नंबर आप देख रहे हो, PV10 लुधियाना का नंबर है ये। हां जी हां जी, और गाड़ी बढ़िया गाड़ी है, बिल्कुल नई जैसी गाड़ी है। ये गाड़ी आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 8,25,000 रुपए की रेंज में। 8,25,000 रुपए। एंड भाजी मतलब कौन सा ये? S4 S4 प्लस है ये भी। ओके S4 प्लस है, डीजल की गाड़ी है, सिंगल ओनर है, PV नंबर पंजाब का नंबर है। ओके एंड 8,25,000 डिमांडिंग प्राइस। एंड भाजी ऑटो या मैनुअल? मैनुअल ट्रांसमिशन। ओके मैनुअल है ये, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट आ गई है फिर से स्कॉर्पियो। सो भाजी न्यू शेप है या ये लेटेस्ट शेप की गाड़ी है? ओके न्यू शेप है, 2019 मॉडल है। ओके 19 मॉडल, 19 मॉडल है मिड का। एंड ये S11 वेरिएंट है। ओके S11 वेरिएंट है, माइक्रो हाइब्रिड वाला, ऑटो स्टार्ट ऑटो ऑफ एंड अलॉय व्हील्स, क्रूज कंट्रोल सब कुछ आता है इसमें। ओके डीजल की गाड़ी है, ओनर सिंगल है, सिर्फ 50,000 चली विद रिकॉर्ड, 50,000 विद रिकॉर्ड चली हुई गाड़ी है। एंड फुली टॉप मॉडल है S11। ये गाड़ी मिल जाती है आपको 15,00,000 रुपये की डिमांड है, 1475 की रेंज में आपको मिल जाएगी ऐसे 14,75,000 रुपए की। ठीक है, एंड भाई चली कितनी है? सिर्फ 50,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड। विद सर्विस रिकॉर्ड, नई गाड़ी 19,30,000 रुपए की है इस टाइम दिल्ली ऑन रोड। एंड ये गाड़ी 15 की डिमांड कर रहे हैं, 14,75 के आसपास आपको मिल जाएगी गाड़ी। आप देख रहे हो सर्टिफाइड विद वारंटी गाड़ी अवेलेबल है। डन भाई, ठीक है भाई डन। सो गाइज आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में कौन सी कार सीखनी है। सो पाजी फिर बताइए नेक्स्ट व्लॉग में आप कौन कौन सी कार सिखाने वाले? नेक्स्ट व्लॉग में जो कमेंट आएंगे हमारे पास नीचे, ओके, जो जो गाड़ियाँ लिखेंगे आप लोग, ओके, कोशिश करेंगे हम वो वाली प्रोवाइड कराने की नेक्स्ट वीडियो में। ओके सो मतलब इस वीडियो के नीचे जल्दी से गाइज आप कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में कौन सी कार देखनी है। पाजी मतलब पूरी कोशिश करेंगे वो कार सिखाने की, कोशिश करेंगे वही स्टॉक आपको दिखाएंगे जो आप बोलोगे। ओके सो पाजी एक बार शॉर्ट में बता दो मतलब एक्सीडेंटल वगैरह का। तो एक्सीडेंटल का मैंने आपको पहले बताया था, जैसे गाड़ी कोई भी आपको एक्सीडेंटली मिलेगी इस बात की 110% पूरी श्योरिटी है। ओके कैसे गाड़ी लगी वगी नहीं मिलेगी, बाकी विद रिकॉर्ड की जहाँ तक बात है, जो गाड़ी विद रिकॉर्ड होगी वो आपको 110% आपको चेक करवा के देंगे, जो नहीं होगी वो भी 110% आपको पहले डील से पहले बता के देंगे। ओके मतलब फुल क्लैरिटी आपको मिलेगी, बाकी आपने जहाँ से चेक करवानी हो वहाँ से करवा सकते हैं। ओके सो गाइस मतलब अगर कोई भी अगर इशू होगा मतलब तो आपको बता के दिया जाएगा ना, मतलब फुल क्लैरिटी रहेगी। फुल क्लैरिटी है, बाकी इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि भी मैं अपनी गाड़ी एक्सचेंज कर लूँ, पुरानी गाड़ी देख के अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप जो चाहते हैं जो गाड़ी लेके आना चाहते हैं वो गाड़ी लेके आओ, मैं आपको एक्सचेंज ऑफर भी जो अच्छी से अच्छी दे पाएंगे वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है भाजी डन। ओके सो गाइस आज के लिए गुड बाय।